और बात करते हैं सिनेमा की उड़ान की, जिसे 100 साल पूरे हो गए हैं और मुंबई में 10 दिनों से एक सिनेमा हॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या है इस सिनेमा हॉल की खासियत और किस मौके पर यह दर्शकों के सामने आया है, देखिए हमारे संवाददाता इकबाल परवेज की एक खास रिपोर्ट। मुंबई में पिछले 10 दिनों से चलता फिरता सिनेमा हॉल अनूप टूरिंग टॉकीज दर्शकों को लुभा रहा है। 50 साल पुराना टूरिंग टॉकीज महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में तंबू के नीचे फिल्में दिखाता है। आमतौर पर इन्हें बड़े शहरों में आने की इजाजत नहीं, मगर बॉलीवुड 100 साल मना रहा है, इसलिए मनोरंजन के सबसे पुराने थिएटर को मुंबई में डेरा डालने की इजाजत मिल गई। गांव में 25 रुपयों में फिल्में दिखाने वाला ये थिएटर मुंबई में 100 रुपयों में फिल्में दिखा रहा है, क्योंकि यहां दर्शकों के लिए कुर्सियां हैं और एसी भी हैं। मुंबई की मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए यह नया एक्सपीरियंस है। अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं लोग हमें, अभी भी जो यंग क्राउड बहुत आ रहा है हमें। 50 साल पुराने इस थिएटर में करीब 85 साल पुराना प्रोजेक्टर है और इसे चलाने वाला ट्रक करीब 70 साल पुराना। जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा अपना 100वां साल मना रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे गांव और खेड़ों में लोगों को एंटरटेन करने वाला टूरिंग टॉकीज अब गुम होता नजर आ रहा है।